सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आने से लोगों में खौफ का माहौल था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है। सोलन जिला में 15 जनवरी के बाद 49 ऐसे लोग हैं जो उन देशों से आए हैं जिन देशों में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया है। सोलन जिला में 15 जनवरी के बाद 49 ऐसे लोग हैं जो उन देशों से आए जिन देशों में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया। 27 लोग खतरे की घड़ी से बाहर निकल गए हैं और पूरी तरह से स्वस्थ है, बाकी शेष बचे लोग स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। वहीं एक मरीज को सोलन अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अब उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि आमजन को कोरोना वायरस के लिए जागरूक किया जा रहा है, आम लोग भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाए। ऐसा कि किसी भी अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको हमारे को आइसोलेट करना है। आइसोलेशन वार्ड हमारे पास अवेलेबल है, ऑलरेडी हम एक पेशेंट को यहाँ रख चुके हैं, उसका सैंपल गया था शिमला जो नेगेटिव आया है अभी तक, है ना। और आइसोलेशन वार्ड हमारे MMU सुल्तानपुर में रखा गया है, नालागढ़ में रखा गया है, ESI काठा में है हमारे पास, और ESI परमाणु में हमने हमारा जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया। वहीं लोग भी कोरोना वायरस को लेकर जागरूक दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे साफ सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।